एक टेस्ला ही थी, टेस्ला मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कहाँ खड़ी है। इसके अपने शशके हैं, कोई आपने चाबी लगानी है, स्टार्ट करना है, सलाह मारना है, कोई चक्कर ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से। मैं हूं आपका मिसबान चाज़री और आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में और इसके साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो आज है जी 10th of December 2023 और अभी मैं इस टाइम पर आया हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर और यहाँ पे पार्क व्हील्स का कार फेस्ट हो रहा है और ये दूसरा कार फेस्ट है। अभी रिसेंटली 15th of October को ये पहला कार फेस्ट हुआ था और उसके बाद उसके ऊपर भी मैंने खैर व्लॉग बनाया था और आपके साथ सारा मैंने शेयर किया था जो भी मेरा एक्सपीरियंस था। और तो आज ये सेकंड कार फेस्ट हो रहा है और इसके अंदर मैं आया हूँ। तो अभी मेरे पास है यहाँ पे हम लोग वैसे तकरीबन कोई 5 गाड़ियाँ हमारे पास जो हम लेके आए हैं। तो अभी मेरे पास ये यहाँ पे है ये करोला 1.6 Altis और अभी मैं इसके पास हूँ और बाकी अली भाई और बाकी सारे जो हैं वो बाकी गाड़ियों के पास हैं। तो लास्ट वाला वैसे जो था कार फेस्ट वो काफ़ी अच्छा था और सही हुआ था और उसके अंदर हमारी तकरीबन 2 गाड़ियाँ सेल हो गई थी। तो अभी इस कार फेस्ट में भी हम आए हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मजीद कैसा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलता है। तो लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं और काफ़ी डिफरेंट गाड़ियाँ यहाँ पर मुझे देख नज़र आ रही हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको साथ साथ जो गाड़ियों के आपको दिखाऊं भी, जो जो गाड़ियां मुझे नज़र आती हैं कोई डिफरेंट डिफरेंट गाड़ी होगी तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। तो अभी ये हम लोगों ने यहाँ पे ये देख लें लिस्ट लगाई हुई है, डिमांड वगैरह लिखी हुई है। सब देखते हैं क्या डिमांड वगैरह क्या इसकी प्राइस लगती है, कोई रिस्पॉन्स आता है। अभी कुछ लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और देख देख के बस जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या बनता है इस गाड़ी का और बाकी भी गाड़ियाँ आगे खड़ी हुई हैं उनको भी देखते हैं और क्या रिस्पॉन्स आता है। बाकी मैं साथ साथ आपको जो है दिखाता रहता हूँ। तो अभी वैसे हम चलते हैं बाहर, एक अपना एक विजिट करते हैं बाहर गाड़ियों का, देखते हैं कौन कौन सी गाड़ी नज़र आती है। ये खड़ी है जी हमारी करोला ऑल्टिस और बाकी आप देखें यहाँ पे सारे यहाँ पे गाड़ियाँ सारी आ भी रही है, मजीद आ गई है, लेंसर जा रही है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी वहाँ एंड पे जाता हूँ जो एंट्रेंस है इसकी वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद एंड तक जाएंगे, एंड तक जाके देखते हैं। अभी वहाँ से मैं एंट्रेंस से शुरू करता हूँ, आपको साथ साथ दिखाता हूँ गाड़ियाँ। अच्छा ये एंट्रेंस है और इधर से लेफ्ट साइड पर आप देखें इधर भी और यहाँ पर ये राइट पर भी, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और संडे आज तो, और अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 12 बज रहे हैं। सो फैमिलीज़ भी आ रही हैं तो अभी यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ। और ये काफ़ी बड़ी जगह है, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जहाँ पे किया था तकरीबन ये उससे मेरे ख्याल से बड़ी जगह है ये थोड़ी। तो इधर लास्ट टाइम से मेरे ख्याल से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो आ जाएंगी ईज़िली। देखिए अभी मज़ीद लोग आ रहे हैं गाड़ियाँ लेके, तो अभी मैं साथ साथ आपको दिखाता हूँ गाड़ियाँ जो उनसे खड़ी हुई हैं। ये रहे जी अली भाई अपनी CRG के साथ और अभी गाड़ी आगे लगा रहे हैं, अपनी थोड़ी जगह बनी है। अली भाई भी जद्दोजहद में है कि किसी तरह ये CRG उनकी अच्छी प्राइस में चली जाए। ये गौर भाई खड़े हैं। हाँ जी गौर भाई, ये वाला आपको फेस्ट कैसा लग रहा है लास्ट वाले से?
यार लास्ट वाले से तो बेहतर लग रहा है, लेकिन आप देखें अभी कस्टमर अब निकलना शुरू हुआ है, अभी तो खैर स्टार्ट हुआ है, 12 बजे के आसपास जरा काम पकेगा। ठीक है, ये अली भाई आ गए। जी अली भाई, ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, दोबारा से एक और वीडियो के साथ। सो क्या लग रहा है अली भाई आज? आज इस वक्त तो गर्मी लग रही है। वो तो लग रही है, दोपहर के टाइम तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, शाम को ठंड हो जाती है। मिक्स मौसम है, कोल्ड ड्रिंक लें, चाय पिए। नहीं, बहुत शुक्रिया। मौसम के अलावा बताएं क्या लग रहा है लास्ट वाले से? इवनिंग में थोड़ा ज़्यादा। हाँ, लास्ट वाले में तो खैर आप थे, और संडे को लोग सुबह उठ के जल्दी तो कम ही आते हैं, आफ्टर 2 o'clock मेरे ख्याल एक्टिविटी होगी। चलें, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं। यहाँ पे ये एक और टोयोटा मार्क खड़ी हुई है, मार्क एक्स 300G प्रीमियम। एक मैंने आपको पहले दिखाई है और एक ये खड़ी हुई है। ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन वो पहले वाली के जो रिम्स थे वो काफ़ी
ज़बरदस्त लगे हुए थे, बिल्कुल लो प्रोफाइल उसके जो प्रोफाइल वाले रिम थे, टायर थे। इसका इंटीरियर जो है थोड़ा क्रीम कलर का, उसका इंटीरियर थोड़ा सा चेंज था। बस यहाँ तक ये एंड हो जाता है। इसके अलावा वो दूसरी साइड भी सारी मैंने आपको दिखाई है। एक टेस्ला ही थी, टेस्ला मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कहाँ खड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से वो खड़ी है शायद सामने, उधर चलते हैं। ये ले जी, ये खड़ी हुई है हमारे पास यहाँ टेस्ला, इसको देखें। ये है जी टेस्ला मॉडल 3 स्टैंडर्ड रेंज प्लस, यहाँ की जो डिमांड आ रही 1.85 करोड़ अनरजिस्टर्ड। बाकी आप चेक करो यार टेस्ला की जो है अपनी, इसके अपने शशके हैं, आपको सबसे अलग ही नज़र आएगी। ये और भी गाड़ी हैं लेकिन ये गाड़ी आपको सबसे अलग नज़र आती है, टेस्ला की यार बात ही हो रहा है। हम भी ले ही लेंगे टेस्ला यार इंशाल्लाह। चेक करो यार इसका, मैं आपको इंटीरियर भी थोड़ा दिखाता हूँ। मतलब कोई चक्कर ही नहीं है, कोई आपने चाबी लगानी है, स्टार्ट करना है, सलव मारना है, कोई चक्कर ही नहीं है, सारा कुछ यहीं से आपने इसको कंट्रोल करना है। और चेक करो यार इसका अपना ही मज़ा, टेस्ला पैनोरामिक प्रूफ है, फिर इसके अंदर सारी आपको मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा इसकी वो की दिखाइएगा जी, इसकी जो की होती है वो कार्ड होता है ना? हाँ हाँ है। हाँ मैंने ये चेक करें जी, ये इसकी की है बस, कार्ड होता है सिंपल, और इसी से आप इसको ऑपरेट करते हैं या आपके फ़ोन के साथ आप इसको कर सकते हैं। और बाकी इस गाड़ी के अपने शशके हैं यार, अभी आप चेक करो इसके ऊपर, कोई ऊपर से फ्रेम नहीं है, फ्रेमलेस इसकी विंडो है पूरी। चेक करें मॉडल 3 का, यहाँ पे मेंशन हुआ है सारा कुछ, अभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यार इस गाड़ी ये जो है ना अपने शशके हैं, ये इसके जी स्टोरेज बॉक्स है यहाँ पे, मतलब इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, कोई डैशबोर्ड में कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको जो नज़र ही नहीं आ रही, मतलब सेंटर में एक ये डिस्प्ले है, इसी के ऊपर आपका सारा कुछ, तो पूरी बार गाड़ी के जो कंट्रोल हैं आपको यहीं पर मिलने हैं। ये इसका स्टेयरिंग व्हील चेक करें यार आप, इंशाल्लाह यार लेंगे। यहाँ पे वेंटिलेशन इसका सिस्टम यहाँ पे इसका, और ये भी चल रहा है, ये मैंने इसको ओपन किया हुआ और इसका ही वेंटिलेशन चल रहा है, मुझे यार फील हो रही है यहाँ पे कूलिंग, ये पूरी डैशबोर्ड के अंदर ही इसका ही वेंटिलेशन चल रहा है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है इसकी, फिर पैनोरामिक रूफ है आपका, शेड्स आ गए। अच्छा इसके अंदर वैनिटी मिरर्स भी हैं, वैनिटी मिरर है क्या चक्कर है, ठीक है वाह ज़बरदस्त। वैनिटी मिरर के साथ आप जैसे इसको ओपन करेंगे लाइट्स इसकी ब्लिंक करेंगी, चेक करें ये देखें। फिर ये इसके यहाँ पे हेडलैम्प है, इसी तरह आप ये देखें, ये मैंने इसको ओपन किया है यहाँ पे लाइट्स इसकी खुद ब खुद ही, ये देखें। ये इसका रियर व्यू मिरर है, और यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे आपकी फ़ोन की स्पेस है, और इसके अंदर जो है आपकी वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पे सपोर्ट होती है। ये इसका आर्मरेस्ट है, ग्लव बॉक्स ये भी डिसेंट है, उसका वो डिशबोर्ड भी इधर से खुलते हैं, हम लोग को पता नहीं हो क्या चीज़ डिशबोर्ड नहीं, इधर से स्क्रीन से खुलते हैं। अच्छा हाँ जी ठीक है। अच्छा वो तो खैर स्क्रीन से ही ऑपरेट होता है ना सारा कुछ, स्क्रीन से हाँ। पाना डी गियर चीज़ ठीक है, इसी से ही आपको बेसिकली हर चीज़ आप इसी गाड़ी इसी स्क्रीन से ही ऑपरेट करते हैं ठीक है। और ये रेयर से आप देखें जी, सीटिंग कैपेसिटी भी अच्छी है इस गाड़ी की, बल्कि मैं आपको इसकी जो रेयर सीट है ना इसके ऊपर भी आता हूँ। अच्छा इसको जो आपने ओपन करना होता है इसको आप ऐसे करते हैं, और ये ऐसे, और ये ओपन
इसका लेवर भी है, इसकी सेटिंग कैपेसिटी ये बड़ी अच्छी है। यहाँ पर आपके रेयर वेंट्स आ गए और जबरदस्त है यार। यहाँ पे आपका ये रेयर आर्म रेस्ट है, इसके अंदर भी कप होल्डर्स हैं। हेलो, ये है जी टेस्ला मॉडल 3। अभी भी मुसलसल गाड़ियाँ आ रही हैं और ऑलमोस्ट फुल हो गया सारा, फैमिलीज भी आ रही हैं, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है। सो इस साइड पे भी मैंने तकरीबन आपको दिखा दी है जो डिफरेंट गाड़ी नज़र आई है।